कि आप एक मिशन पर निकले हो जिसमें आप हर इस आदमी की मदद करना चाहते हो जो अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, उनकी हर तरह से हेल्प करना चाहते हो, तो हम जानना चाहते हैं कि ये विचार आपके मन में क्यों, कब और कैसे आया और इससे आगे आप हमारा हल कैसा निकालोगे। धन्यवाद। ये जो चीज है ना, ये मेरे अंदर बहुत टाइम से थी, मतलब याद से नहीं थी, बहुत सालों से था अंदर से कि कभी कुछ करना है। और आई एम 110% श्योर, यहां जितने भी लोग बैठे हैं ऐसा एक भी इंसान नहीं होगा जिसके अंदर से ये नहीं होगा कि मेरे को कुछ अच्छा करना है। कोई है ऐसा यहां पे जिसके मन में है ही नहीं कि मेरे को जिंदगी में कभी कुछ अच्छा करना है? नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। तो अगर मैं आपको सिंपल उसमें बताऊं तो ये मेरा ये जो बारूद भरा हुआ था उसमें जो चिंगारी लगी वो लगी विपासना में। मैं विपासना गया था। यहां पता है किसी को विपासना क्या है? अच्छा, पता है काफी लोगों को। एक 11 दिन का एक मेडिटेशन प्रोग्राम है। तो मैं वहां गया था और वहां पे जब मैं गया तब अंदर से कुछ ऐसी अर्ज आई। पहले बहुत सोचता था, प्लान बनाता था कि मैं करूंगा करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, करूंगा कैसे करूंगा पता नहीं। लेकिन जब वहां से आया तो आ करके वो सारा डर निकल गया था, सारी चीजें धीरे धीरे समझ आने लग गई थी, जो मैं अभी यहां पे आप लोगों को नहीं समझा सकता। अगर शॉर्ट में बताऊं कि ऐसा क्या था तो आप इमेजिन करो कि मैं जब मैं गया था तब मैं 31 साल का था। तो 31 साल से मैं रोज सुबह उठता था और शीशे में देखता था अपने आप को कि ये संदीप है, संदीप है, संदीप है, संदीप है। और जब भी अपनी किसी चीज को देखता था, ये संदीप की गाड़ी है, संदीप का घर है, संदीप के माँ बाप है, संदीप का ये है, संदीप का वो है, सब कुछ देखता था। और वही मेरी परसेप्शन बनी हुई थी, मतलब दिमाग में यही बैठा हुआ था कि हाँ यही सच है। वहां गया वो सच टूट गया। एक दिन वहां पे सुबह सुबह उठा और जाकर के शीशे में देखा, संदीप कहीं है ही नहीं, है ही नहीं। मैं हिल गया, मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब संदीप तो हर जगह है, हर जगह है, हर इंसान के अंदर है, हर जानवर के अंदर है, हर जगह है, हर जगह। और जैसे ही वो चीज देखी, वो एक्सपीरियंस हुआ, तब अंदर से सब कुछ खाली हो गया। मतलब जितनी ईगो थी या जो भी जो डर थे कई तरीके के कि अगर मैं ये करूंगा तो ये ना हो जाए, वो करूंगा तो वो ना हो जाए, वो सारा डर निकल गया। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, करना है तो करना है। और अपने ऑफिस में ही एक छोटी सी जगह बनाई, वहां पे 25-30 लोगों से इस चीज की शुरुआत कर दी सेशंस करने का, जिसका नाम मैंने रखा था लाइफ चेंजिंग सेमिनार। मेरा एक ये ड्रीम था, ये मैं हर रोज सपने में देखता था कि ऐसा एक सेमिनार होगा, मेरा लास्ट सेमिनार, और इस तरीके से ये चीजें होंगी, ये होगा वो होगा। और जब ये हो गया तो उसके अगले दिन तक या उसके 4-5 दिन तक मुझे लगा कि बस अब सब कुछ हो गया यार, अब मुझे कुछ नहीं करना बस। लेकिन फिर अंदर से एक अर्ज आ गई, फिर नहीं रुका गया, फिर हो गया कि नहीं अब इस चीज को करना है। अब एक और एक सपना है जो अंदर है, पनप रहा है, वो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर उसको बता देते हैं तो वो उसकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। वो उससे भी बड़ा कुछ है जो आपने अभी देखा है लास्ट सेमिनार, बहुत जल्दी होगा।